हेलो यू ऑल आर डूइंग स्टडीज तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आर एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन सो so, जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज ऑलरेडी 1440 क्वेश्चंस क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1441 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं सो so हर एक टाइप का क्वेश्चन जो हो रहा है तो प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिएगा एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आरआरबी के लिए दो बैचेस हैं मेरे पास एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच सो so, अब आप लोगों के पास बच्चे टाइम बहुत कम बचा है सो so, इसकी फ़ी जो रहने वाली है वो रहने वाली है वन थ्री डबल नाइन सो जिनका भी बेसिक क्लियर है वो ये बात ज्वाइन कर सकते हैं इसमें हम स्टार्टिंग से करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जिन भी बच्चों का बेसिक क्लियर है ठीक है ना यहाँ पे हम करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक एन क्लासेस टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सारे के सारे अच्छे वाले एम करने वाले हैं और अभी जिसको बेसिक क्लियर करना है तो ये क्विक रिविजन वाला थ्यूरी बैच मेरे पास है जिसकी फीस रहने वाली है ओनली टू टू डबल नाइन ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको अभी क्विक रिवीजन करनी है और सारा सिलेबस ही कंप्लीट करना है तो इस बैच में आपको बेसिक से करवाया जाएगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी मैं बताऊंगी आपको कौन से अच्छे वाले करने हैं टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीक्यूज हम करने वाले हैं तो कोई भी बैच जो है इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके स्पेशली फॉर आर आर बी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात करके या फिर मैसेज करके फीस बहुत कम है बच्चे थ्री मंथ्स का टोटल बैच रहने वाला है बिकॉज एस्टिमेटेड ये है कि डिसम्बर में जाके आर आर बी का पेपर होगा सो so, टाइम है तो आप अच्छे से प्रेपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करते हो सो so, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एडमिटेड विद द विदायनोज ऑफ एपीलेप्सी द क्लाइंट बिगिन टू हैव अ सीजर विच एक्शन बाय द नर्स इज इंडिकेटेड तो एक क्लाइंट की आप केयर कर रहे हो क्लाइंट को एपीलैप्सी है ठीक है सीजर्स बिगिन ठीक है सीजर्स जो है अगेन एंड अगेन पेशेंट को आते हैं इन द एपिलेप्सी ठीक है सो द क्लाइंट बिगिन टू हैव अ सीजर्स तो उसको सीजर्स आने शुरू हो गए हैं तो क्या चीज इंडिकेटेड रहेगी नर्स के लिए टर्न द क्लाइंट टू साइडलाइन पोजिशन इन सर्टिंग अ पैडेड टंग ब्लेड लूजनिंग रिस्ट्रिक्टिव क्लोज रिमूविंग द पिल्लो एंड राइजिंग पैडेड साइड रेल्ट सो ऑब्वियसली अगर किसी को भी सीजर्स आ रहे होते हैं तो कभी भी उसके माउथ में कुछ भी इंसर्ट नहीं करते अदरवाइज उसके माउथ को क्या हो सकता है इंजरी हो सकती है ठीक है या फिर पेशेंट जो है उसके जो टीथ्स हैं वो भी टूट सकते हैं और अगर आपने पैडेड टंगलेट डाला तो वो बहुत अपने आप को नुकसान पहुँचा लेगा देखो जो साइड लाइन पोजिशन है आप ऑब्वियसली देते हो टू प्रिवेंट एस्पीरेशन क्योंकि एस्पीरेशन ना हो जाए पेशेंट को तो आप क्या करते हो उसे साइड लाइन पोजिशन देते हो ये भी आपको करना होता है कि उसकी जो टाइट क्लोथ खोल मतलब लूजन अप कर दो या फिर उसको ओपन अप कर दो ताकि पेशेंट को ड्यूरिंग सीज़र्स कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन फील ना हो रिमूव द पिल्लो ये हम इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट द इंजरी ठीक है पेशेंट को इंजरी ना हो उसकी साइड रेल्स को जो है आप ओपन कर देते हो ठीक है सॉरी रेज अप कर देते हो सो so, ये जो है तीनों चीजें इंडिकेटेड होती हैं पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सा होता है इंसर्टिंग कुछ भी उसके माउथ में इंसर्ट करना या फिर उसका माउथ ओपन करना या फिर उसके माउथ में सक्शनिंग करनी कुछ भी करना ऑक्सीजन मास्क लगाना ऑल दोज थिंग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नेक्स्ट नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन अर्ली लेबर आफ्टर द रप्चर ऑफ मैंबर द नर्स शुड गिव प्रियोरिटी टू सो एक नर्स है केयर कर रही है क्लाइंट की ठीक है अर्ली लेबर में आफ्टर रपच्चर ऑफ मेंबरेंिन जब उसकी मैंबरंस रपच्चर हो गई तो आपके लिए प्रियोरिटी क्या रहेगी अप्लाई करना एन इंटरनल मॉनिटर असेस फीटल हार्ट रेट असिस्टिंग विद एपीड्यूरलिजिया इन सर्टिंग अ फॉलिस कैथेटर तो जब भी मैंब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं तो बच्चा अंदर सुरक्षित है बच्चा जो है अंदर उसकी हार्ट बीट सब कुछ अच्छे से चल रहा है एक्टिव है क्योंकि अब लेबर

कब प्रेगनेंसी में उसके थर्ड ट्राइमेस्टर में उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर वन ट्राइमेस्टर या फिर नन ऑफ अब तो थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा मदर का वेट गेन देखने को मिलता है ठीक है इस वेट गेन में अप्रॉक्सीमेटली मदर जो है सेवन टू सिक्स टू सेवन के जो है वेट गेन करती है ठीक है बिकॉज ऑफ बच्चा जो है अंदर ग्रो करता है ठीक है अदरवाइज पहले क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं सेकेंड में उसकी पूरी बॉडी उसका सिस्टम सब सर्कुलेट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है और थर्ड ट्रेमेस्टर में जो आपने देखा एकदम से यूटर्स जो है आपको पूरी ग्रोथ देखने को मिलती है उसमें जस्ट बिकॉज उसमें बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है ठीक है सो राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है द प्रोसीजर फॉर पीडियाट्रिक सेक्शन इज तो जब डायडैट्रिक बच्चों में मतलब छोटे बच्चों में आप सक्शनिंग करते हो तो कैसे करते हो ओनली 노즈 की करते हो फर्स्ट माउथ देन 노즈 ओनली माउथ नन ऑफ अबव तो हमेशा याद रखो कि जब भी बच्चा होता है तो पहले उसके माउथ सक्शन होता है ऐसा क्यों क्योंकि माउथ से हो सकती है एस्पिरेशन 노즈 से थोड़ी एस्पिरेशन होगी है ना भी माउथ से एस्पीरेशन होगी तो एस्पीरेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम बच्चे का माउथ सक्शन करते हैं देन नोज सक्शन करते हैं तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना और ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले हम माउथ को सक्शनिंग करते हैं नेक्स्ट द प्लेस वेयर पॉजिटिव एजेंट्स लिव मल्टीप्लाई एंड ग्रो इज़ नोन एज तो वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं ग्रो करते हैं और वहां पे रहते हैं देन इट इज़ अ होस्ट रिजर्वर सोर्स या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन सो इट इज रिजर्वर रिजर्वर के यहाँ जो है ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है और ग्रो करता है ठीक है ना ठीक है सो so इसका क्या रहेगा आंसर राइट रिजर्व सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से बच्चे सो so बैचेस है तो आपको अगर सुनना है तो सुन सकते हो अदरवाइज आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप इस नंबर पे मेरे से बात या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो दो बैचेस है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक थ्यूरी बैच है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फीस रहेगी ओनली फोर्टीन फॉर थ्री मंथ्स जिसमें अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज्यादा फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर और नॉन नर्सिंग के हर एक तरह के जो इंपॉर्टेंट करेंगे और अगर आपको करनी है की और सारी चीजों के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस रहेगी टू टू नाइन नाइन जिसमें हम बेसिक करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट सीरीज डाउट प्रीवियस एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस फटाफट से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो और नॉर्सेट एट के लिए भी इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं ठीक है नॉर्सेट एट का जो बैच है वो फिफ्थ अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है तो फटाफट से आप नॉर्सेट एट के लिए ज्वाइन कर सकते हो सो so, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव तो कार्डियो के लिए क्या चीज इसमें सही है ठीक है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोटीन एल डी एल कोलेस्ट्रॉल सो ऑब्वियसली जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रोटीन बोलते हैं ये हेल्दी लिपोप्रोटीन होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि लो डेंसिटी है, है? So, और ये हमें खाने चाहिए और ये से ही मिलते है, जैसे कि आलमंड हो गए घी देसी घी हो गया ठीक है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो जो आप पैक्ड फूड खाते हो ठीक है जिसमें पाम ऑयल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्लियर next the nurse at prenatal clinic examine a client and determines that her uterus has risen and out of the pelvis and now is an abdominal organ at what of gestation does गैस स्टेशन डज दिस अक्कर तो कब ये चीज़ अक्कर हुई आप एक नर्स हैं आपने देखा है कि एक पेशेंट का जो आप उसकी प्रीनेटल नेटल एग्जामिनेशन कर रहे हो कि उसका यूट्रस है जो अब पेल्विस से निकल के एबडमिनल ऑर्गन बन गया है तो ये कब अक्कर होता है एटथ वीक में ट्वेल्थ वीक में इलेवेंथ वीक में या फिर एटीनथ वीक में तो ये होता है आफ्टर थ्री मंथस ट्वेल्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो और अबडमन है सॉरी जो यूट्रस है वो एक अबडमिनल ऑर्गन बन जाता है जो बे बेबी है वो सेकेंड ट्रेमेस्टर पर ग्रो करना ल का स्टार्ट कर देता है अदरवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर जो यूट्रस है वो पेल्विस ऑर्गन ही होता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ नॉट शोन इन द पेशेंट विद एंगइटी तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है पेशेंट होता है जो एंग्जाइटी वाला उसमें नहीं दिखता हेलूसीनेशन नर्वस बिहेवियर वरी या फिर रेस्टलेसनेस तो देखो जो हेलूसिनेशन है ना ये हमें एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलती एंगजाइटी जो है वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है और हेलूसीनेशन जो है हमें ज़्यादातर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है ठीक है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में हेलूसीनेशन और एल्यूजन हमें नहीं देखने को मिलती है. So, क्या है डिसऑर्डर ऑफ जिसमें पेशेंट का प्रसिव करना जो है वो बहुत वीक हो जाता है फॉल्स प्रिसेप्शन होती है इन द एबसेंस ऑफ स्टिम्यूलाइट नेक्स्ट है डायसल्फ़राम इज अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायसल्फराम हम कौन सी ड्रग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं कौन सा डायसल्फराम जो है कौन से ट्रीटमेंट में ड्रग यूज़ होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में एड्स में एल्कोहल में या फिर मेनिया में सो इट्स एन एल्कोहल के ट्रीटमेंट में जो है डायसलफेराम यूज़ होती है एज यू ऑल नो तो डायसलफेराम जो है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द एल्कोहल एक पेशेंट नेक्स्ट है द पेशेंट विथ क्रैकल वीजिंग फीवर एंड डल साउंड आफ्टर प्रिकॉशन वॉट इज द डायग्नोज तो एक पेशेंट है आपने प्रिकॉशन किया उसके लंग्स में से क्रैकल वीजिंग और उसे फीवर है और डल साउंड आ रही है तो उसका डायग्नोज क्या रहेगा निमोनिया ट्यूबोग्लासिस कॉर्पलमुन या फिर ऑल ऑफ द बफ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ देखो क्या क्या दिख रहा है क्रैकल वीजिंग फीवर एंड डल साउंड ये सारी चीज़ें आफ्टर प्रिकॉशन आपको हो, देखने को मिल रही हैं तो इस पेशेंट का डायग्नोज क्या रहेगा ठीक है so, सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चल लेते हैं ज़रा कि नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मल्टीपैरा सो मल्टी मल्टीपैरा की बात की थी प्राइमरी पैरा की बात नहीं की थी ठीक है मदर जो है मल्टीपल बच्चों की जो वुमेन है मल्टीपल बच्चों की मदर है ठीक है मतलब उसकी पहली भी हो चुकी है डिलीवरीज ठीक है पहले भी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे इन मदर्स की डायलिटेशन जो है वन सेंटीमीटर पर आर होती है ठीक है अगर आप लोगों को पता हो कि प्राइमरी ग्रेविडा और जो मल्टी ग्रेविडा होती है वो कितना टाइम लेती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में तो उसका हाफ़ टाइम लेती है ठीक है उस हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर जो है पर आर मतलब कि दो घंटे में उसका तीन सेंटीमीटर जो है सर्विक्स ओपन हो गया है ठीक है और वही लगा लो चार घंटे में कितना हो गया है छः सेंटीमीटर और उसी के बाद ही उसका छः घंटे में अप्रॉक्सीमेटली सिक्स टू एट आर लेती है एक मल्टी ग्रेविडा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में और ट्वेल्व आर लेती है एक प्राइमरी ग्रेविडा तो अगर आपको ये याद होता ना कि सिक्स टू एट आवर्स लेती है एक मल्टी ग्राविडा ठीक है तो आप आराम से इसको 1.5 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से लिखते ठीक है सो so यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड 1.5 सेंटीमीटर पर आर क्लियर सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लेक्शन सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आर का जो वैकेंसी है उसके अब बहुत टाइम बाद आएगा तीन से चार साल बाद तो अपना हंड्रेड दे दो ताकि आपको अगर सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने प्रॉपरली जो है प्रिपरेशन की है सो दो बैचेज है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एक है थ्यूरी बैच फीस आप देख सकते हो दोनों की बहुत अफोर्डेबल है दोनों ही थ्री मंथ्स के बैचेज हैं दोनों में ही नॉन नर्सिंग जाएगी आप लोगों को ठीक है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप यह बैच कर सकते हो जो कि 1400 का है और अगर आपको क्विक रिविजन थ्योरी के भी करनी है और सब करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द दे बेस्ट इन बी रेडी बाय ट्वेल्व